हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का अत्यधिक महत्व बताया जा रहा है। आजकल हर कोई व्यक्ति इसको धारण करता है, लेकिन इसमें कुछ नियम देखने को मिलते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं वो नियम। भगवान शिव जी का ही स्वरूप रुद्राक्ष है। भगवान शिव जी के अक्ष यानी उनके आंसुओं से, आंसुओं की बूंद से बना हुआ जो तत्व है वो रुद्राक्ष है। भगवान शिव का ही स्वरूप रुद्राक्ष को मानते हैं, इसलिए रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। उस रुद्राक्ष को पहनने के नियम हैं। रुद्राक्ष कोई साधारण मोती या कोई वस्तु नहीं है। इसको पहनते एक समय या पहनने के पहले इसके नियमों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी सोते समय धारण नहीं करना चाहिए, उसकी शुद्धता खंडित होती है, अपवित्र हो जाता है। इसलिए सोने से पहले यदि रुद्राक्ष की माला है या रुद्राक्ष का मोती आपने धारण कर रखा है तो उसको निकाल देना चाहिए। हाँ, यदि आप बुरे स्वप्न से बचने के लिए रुद्राक्ष को किसी कपड़े में बांध करके अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो आप बुरे स्वप्न से बच सकते हैं। दूसरी जगह है जहाँ पर मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, वहाँ रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। या जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है उसको रुद्राक्ष से दूर रहना चाहिए या उस समय उसको उतार देना चाहिए, क्योंकि इससे रुद्राक्ष अपवित्र हो जाता है, उसकी पवित्रता खंडित होती है। इसलिए रुद्राक्ष को पवित्र स्थानों में ही पहना जाता है। जहाँ पर चिताएं जलती है ऐसी भूमि, शमशान भूमि में रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की नकारात्मकता उसको प्रभावित करती है। रुद्राक्ष को पवित्र स्थानों पर ले जाना चाहिए, शमशान भूमि में नहीं ले जाना चाहिए। नशीला पदार्थ जब आप सेवन करें या जहाँ पर ऐसा पदार्थ सेवन किया जाता हो वहाँ पर नहीं ले जाना चाहिए, और कभी भी सोते समय रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।